राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव शनिवार को अचानक अपने घर में बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद तो अफरा तफरी ही मचने लगी। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। बताया जा रहा है कि अब वे स्वस्थ हैं। वैसे उनके अचानक बीमार होने को चुनावी टेंशन से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। इसका भी टेंशन तेज प्रताप यादव को हो सकता है। जी हाँ, इसी कारण हो सकता है वो ज़्यादा टेंशन में आकर बेहोश होकर गिर पड़े। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव शनिवार की सुबह मां रावड़ी देवी के आवास पर दो बार गए। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने की बात सामने आई। इसके बाद वे अपने बंगले पर लौट गए। वहां वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक खराब होने से वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच खलबली मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस बीच तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी एवं भाई तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे। फिलहाल उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल है। तेज प्रताप यादव भी चुनावी टेंशन में है। एक तरफ पार्टी और महागठबंधन को जिताने का भार, तो दूसरी तरफ अपनी सीट बचाने की कोशिश। टेंशन के कई कारण हैं। जी हाँ, एक बड़ा कारण तो पत्नी ऐश्वर्या राय का तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ने की आशंका भी है। बताया जाता है कि इसी आशंका के कारण तेज प्रताप ने अपनी महुआ की सीट को छोड़कर सुरक्षित मानी जा रही हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि तेज प्रताप के समर्थकों ने उनकी खराब हुई तबीयत को चुनावी टेंशन से जोड़ने से इनकार किया है। उन्होंने अपने नेता की जीत को पक्की बताया है। आपको बता दें कि आज ही तेज प्रताप ने अपने एक समर्थक का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि हर जंग को जीतना हमारी आदत है, क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। जी हाँ, हम दुआ करते हैं कि जल्द तेज प्रताप यादव ठीक हो जाएं। तो और अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट।